नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम आशाएं में और मैं हूं आपके साथ किरण, यानी कि आशा की किरण। और आज शनिवार है। शनिवार के दिन आप सब क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग शाम को शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना? क्योंकि आजकल चला हुआ है शादी का सीजन, जिसे हम शहरी भाषा में कहते हैं। आजकल मुहूर्त निकले हुए हैं और बहुत सारी शादियां हो रही हैं, तो ऐसे ऐसे शादी के उत्सव हो रहे हैं इतनी गाजे बाजे के साथ, धूम धाम के साथ, और बड़े बड़े अरबपति खरबपति तो ऐसे इस तरह से अपने बच्चों की शादियां मना रहे हैं कि उनकी रील्स और फोटोज पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे उन रील्स और फोटोज को देख के बहुत मजा आता है। अच्छा लगता है कि इस तरीके से भी कोई इतनी धूमधाम से शादी मनाता है, और मुझे अच्छे लगते हैं शादी के ये गीत भी। तो आइए आनंद लेते हैं इस गाने का, जो हमने लिया है फिल्म बूट पॉलिश से। ये रिलीज हुई थी 1954 में। इसे गाया है तलत महमूद और आशा भोसले ने, संगीत दिया है शंकर जय किशन ने, और इसे लिखा है शैलेंद्र ने। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। मात पिता की अखियां रोवे तेरे बचपन की सखियां, भैया करे पुकार हो, भैया करे पुकार न जा घर आंगन तज के। जाऊं पिया के देश हो रसिया में सज धज के, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। बांधी लगन की डोर मैंने सब सोच समझ के, जाऊं पिया के देश हो रसिया मैं सज धज के। चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। जाऊं पिया के देश और रसिया मैं सज धज के। लेकिन भैया, ये सजना धजना भी कोई मामूली नहीं है। इसमें भी ब्राइड की कितनी चॉइसेस होती हैं। दुल्हन चाहती है कि वो इस डिजाइनर का लहंगा पहने, और आजकल जो रंग चला हुआ है, जैसे कि आजकल गुलाबी और सफेद फैला हुआ है, उसको वो रंग चाहिए, और शादी के चार दिन पहले ये वाली पार्टी और उस दिन ये वाली पार्टी, और जब वो विदा होगी तो ये वाले गाने बजेंगे और इस तरीके का डांस होगा, और इन्हें बुलाओ और ये वाला एक और इवेंट करो। तो देखिए, ये सब चीजें कहाँ तक जायज हैं। एक आदमी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उसे याद है आज से 50 साल पहले तक हल्दी की रस्म एक छोटी सी रस्म होती थी, कई और रस्मों के साथ, और सुबह के वक्त होती थी और बस कुछ ही एक घंटे में निपट जाती थी। लेकिन अब तो ये पूरा इवेंट हो गया है, बकायदा इन्विटेशन कार्ड पर, निमंत्रण पत्र पर ये छपवाया जाता है कि फला फला दिन हल्दी है और आप भी आइए, और खूब गाजे बाजे के साथ, नाच गाने के साथ हल्दी होता है, और उसके बाद खाना दिया जाता है लोगों को। तो इतनी बड़ी तो ये रस्म पहले कभी भी नहीं थी। और ये चीजें
आग की तरह फैल रही हैं पूरे देश भर में, गांव-गांव में। और इसी की वजह से मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताती हूँ कि नौर जिले के एक आदिवासी गांव सुमरा की पंचायत ने पिछले महीने शादी की उन रस्मों पर रोक लगाने का एक प्रस्ताव पारित किया है जो उनकी संस्कृति के खिलाफ है, और आसपास के गांव भी यही कदम उठा रहे हैं। अब क्या चीजें हैं जो वो अपनी संस्कृति के खिलाफ समझते हैं? चमकदार लहंगे से लेकर पैसों के लिए दूल्हे के जूते चुराना। ये उत्तर भारत में ज्यादातर शादियां पंजाबी संस्कृति और हमारी हिंदी फिल्मों से प्रेरित हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के आदिवासी बहुल किन्नौर जिले जो तिब्बत और स्पीति घाटी की सीमा से सटा है, वहाँ के गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं चलता। और उन्होंने कहा है कि हम मेहंदी की रस्में, जूता छिपाई, केक काटना, दूल्हे को सेहरा बांधना, ये सब नया चलन है, ये अब इन्हीं कुछ सालों में देख रहे हैं, जो हमें नहीं भा रहा है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है और हम इस पर रोक लगाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम इस घाटी में सब एकजुट हैं। हंगरंग रिनचेन बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन नामक एक संघ है और उन्होंने भी उनकी संस्कृति और परंपराओं से संबंधित ये सब निर्णय लिए हैं। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, कह रहे हैं कि हमारी किन्नौर संस्कृति में कई अच्छी बातें हैं और हमें इनका संरक्षण करना चाहिए और हमें कुछ दूसरा अपनाने की या नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने ये ठीक कदम उठाया है? आप ये बताइए कि आप कौन से गांव से हैं, कौन से जिले से हैं, कौन से समुदाय से हैं, और आपके यहाँ कौन सी ऐसी बातें हैं, शादी की रस्में हैं जो एकदम हट कर हैं, वो जो उत्तर भारत में चलन चला है, जो बॉलीवुड पिक्चरों से प्रेरित है, उससे कहीं अलग है? बताइए हमें जरूर इसके बारे में, और हमें अच्छा लगा तो हम आपको अपने स्टूडियो में भी बुलाएंगे। आपको हमारा नंबर मालूम है ना? हमारा नंबर है 9582751074। और जब तक आप अपनी संस्कृति की कुछ रस्में याद कर रहे हैं, तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा एक और गाना जो कि हमने लिया है फिल्म घूंघट से, जो 1960 में रिलीज हुई थी। इसे गाया है आशा भोसले ने, इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है रवि। ये गाना है गोरी घूंघट। गोरी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना, ये तूने ना लड़ाने की रात है। गोरी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना, ये तूने ना लड़ाने की रात है। हमें गुस्से से, हाँ हमें गुस्से से आंखें दिखाओ ना, ये तो हंसने हंसाने की रात है। आज तू काहे को शर्माती है, ये घड़ी रोज नहीं आती है। आने वाले है पिया मिलने को, फूल है दिल के तेरे खिलने को। कुछ को रसिया की नजर लूटेगी लूटेगी, आज नैनों की शर्म टूटेगी। अरे हाँ।
हाँ भैया, आजकल तो कौन दुल्हन घूंघट में अपना मुखड़ा छुपाती है, वो तो खूब जम के खुद ही डांस करती हैं। और खास तौर से जब वो जयमाल के लिए आती हैं, ऐसी एंट्री देती हैं, ऐसा गजब तो कभी पहले नहीं होता था। अब मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसी रस्मों की जिससे आप अनजान होंगे। ये जो उत्तर भारत में और खास तौर से शहरी लोगों में चलन चल रहा है वो तो सबने देखा है, लेकिन मैं बात करूंगी अभी बिहार की। और कुछ ऐसे इलाके हैं उत्तर प्रदेश के भी, वहाँ भी ये रस्म होती है जिसे कहते हैं मटकोर पूजा, और ये शादी से पहले और हल्दी के दिन की जाती है। मटकोर पूजा की सुबह सत्यनारायण की कथा होती है, रात में वर वधु के घर के आगे उनकी बुआ और बहन के द्वारा मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है जिसे समुद्र कहते हैं, उसमें पानी भरकर सिंदूर अक्षत और फूल से विधिवत पूजा की जाती है। उसके बाद उसमें पैसा, सुपारी और पान डाला जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे गाजे और बाजे के साथ माथे पर दौरा और कुदाल लेकर थाली मैदान में जाती हैं, जहां ननंद मिट्टी खोदती है और 5 सुहागिन महिलाओं के आंचल में डालती हैं। उस मिट्टी से घर में बनने वाली वेदी का निर्माण किया जाता है। साथ ही उसी दिन वर वधु को हल्दी लगाने का कार्य शुरू किया जाता है। यह काम 2 दिनों तक चलता है। उसके बाद खोदी गई मिट्टी को दौरा में रखकर महिलाएं घर वापस आती हैं, और यहां ये घर की औरतें द्वारा लाई गई मिट्टी को मकान के आंगन में पूजा हो जाने के बाद उस कलश को स्थापित किया जाता है। उसके पश्चात दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाने के साथ ही उनकी कलाई में धागा में बंधी लोहे के अंगूठी के साथ अजवाइन को बांधा जाता है, जिसे कंगन और ककन कहते हैं। ये रस्म विवाह में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसे पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि ये रस्म भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह में भी की गई थी, इसीलिए इसका महत्व और भी खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन साक्षात सभी देवी देवताओं का घर में आगमन होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इससे आने वाले नए जोड़ों को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो अगर आपने कभी ऐसी ये रस्म देखी है तो हमें जरूर बताइएगा, हमें जरूर लिखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ ये गाना फिल्म देवदास का, जो सन 1955 में रिलीज हुई थी और इसे फिल्माया गया था सुचित्रा सेन पर। इसे गाया है गीता दत्त और मन्ना डे ने, लिखा है साहिद मुखर्जी ने और संगीत दिया है नेक्स्ट।
कोरी भले ही साजन की हो जाए लेकिन वो चाल जो है अपने मन की चलती है। और इसी चाल से याद आया कि एक और रस्म होती है शादियों में जिसे कहते हैं द्वार चाल या फिर द्वार पूजा। ऐसा माना जाता है कि विवाह के समय वर विष्णु का स्वरूप होता है, इसलिए जब वर पक्ष के लोग बारात लेकर वधू के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पर दुल्हन की माँ दूल्हे को तिलक लगाकर आरती उतारती है, साथ ही द्वार पूजा होती है। इसके बाद दूल्हे को सम्मान पूर्वक भीतर लाया जाता है। दूल्हे को सम्मान देते हेतु दुल्हन का भाई उसे गोद में उठाकर भीतर लाता है। भारत में कई जगह पर द्वार पूजा में दूल्हे की सास उसकी नाक पकड़कर उसे खींचती है और उसका स्वागत करती है, और इस रस्म में सबको बहुत आनंद आता है। चावल को हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि चावल सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। चावल उछालने की रस्म में दुल्हन जब घर से विदा होती है तो अपने परिजनों से विदा लेते समय वो घर की तरफ चावल उछालती जाती है। वो इसी कामना के साथ ऐसा करती है कि उसका मायका हमेशा धन धान्य से पूर्ण रहे। ऐसा माना जाता है कि दुल्हन का अपने परिवार द्वारा दिए गए प्यार के प्रति आभार दिखाने का ये एक संकेत होता है। तो ऐसे कई संकेत इशारे दिए जाते हैं हमें इन रस्मों से, लेकिन इन गानों में भी संकेत दिया जाता है कि शादी एक ऐसी चीज है जो कई सारी विधियों के साथ, कई सारे रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है, और सबके मन में कितनी सारी आशाएं होती हैं, कितना सारा उत्साह होता है, और इसी उत्साह को हम बरकरार रखते हुए आपको सुनाते हैं ये बहुत ही पुराना गीत जो 1944 की पिक्चर लाल हवेली से लिया गया है। इसे गाया है नूर जहां ने, और इसका संगीत अपने संगीतकार का नाम भी कभी नहीं सुना होगा शायद, के बी लाल, और ये गाना बहुत ही सुंदर है, भैया हमार जी। जब किसी के भैया की शादी हो तो वो बहन तो सच में बहुत उछलती है, वो तो सबसे बड़ी वीआईपी बन जाती है उस शादी में। लेकिन बहन और भाई के अलावा भी एक और शादी की रस्म है जिसमें मामा को बहुत महत्व दिया जाता है, और मामा देते हैं जौलिया। अब ये क्या चीज है? देखिए, वैसे तो उत्तर भारतीय शादियों में सफेद रंग पहनना वर्जित माना जाता है, लेकिन नर्मदीय ब्राह्मण समाज की शादी में दुल्हन सफेद साड़ी ही पहनती है। जौलिया नाम से प्रसिद्ध ये साड़ी मामा की ओर से आती है। लड़की को इसे पहनने से पहले इसका एक कोना हल्दी से रंग दिया जाता है। नर्मदीय ब्राह्मण समाज में गोधुली यानी शाम के वक्त शादी होती है जिसे लग्नी कहा जाता है। दूल्हा जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है सफेद साड़ी में सजी लड़की को दूल्हा दिखाया जाता है और तुरंत उसका मुंह मीठा कर दिया जाता है। इसके बाद दूल्हा मंडप में पहुंचता है और उसकी होने वाली सास परछन कर उसे मंडप के अंदर लाती है। अब लग्न की बारी आती है। इसके लिए गंगाल यानी पीतल या तांबे से बना बर्तन, उसमें पानी भरा जाता है, फिर इसके अंदर पंचामृत डाला जाता है। वर वधू को आमने सामने बिठाया जाता है और इस बीच मंत्रोच्चार चलते रहते हैं। इसके बाद बेटी को पिता की गोद में बिठाया जाता है, फिर पिता बेटी को गोद से उतारते हुए लड़के लड़की दोनों की हथेली में हल्दी लगाकर उसमें एक सिक्का और सुपारी रखकर जो मुहूर्त निकला हो ठीक उसी वक्त दोनों के हाथ आपस में मिला देता है।
कितनी सुंदर है ये रस्म। वैसे तो शादी में केवल एक रुपया ही दिया जाता है, ना जाने कहां से ये दहेज की प्रथा शुरू हो गई और लोगों ने फिर लाखों और करोड़ों में मांगना शुरू कर दिया। अब ये तो बात हुई मामा की। हाँ, मामा को तो भांजी की शादी में साड़ी देनी ही पड़ती है। लेकिन हम अगर अपनी कहावतें सुने तो एक कहावत है ना, जब सैया भय कोतवाल तो फिर काहे का डर। तो अगर किसी लड़की की शादी किसी पुलिसिया से होने वाली हो तो फिर कैसा माहौल बनाएगा। आइए सुनते हैं वो जरा इस गाने में, ब्याही मेरी रानी हवलदार के संग। ये आपने गाना लिया है 1947 की पिक्चर परवाना से, जिसे गाया है राजकुमारी सुरैया और कोरस ने, इसका संगीत दिया है खुर्शीद अनवर ने और गाने को लिखा है DN मधोक ने। जरा लटका के, जरा बलखा के, जरा मटका के, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, हो बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, हौलदार के संग को थानेदार के संग, हौलदार के संग को थानेदार के संग, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, हो बियाही मोरी रानी हौलदार के संग। भौवे है कमान तेरी पलके तेरे भाले है, मान तेरी बल्कि तेरी भाले है, सुनते हैं सैया तेरे बड़े दिल वाले हैं, सुनते हैं सैया तेरे बड़े दिल वाले हैं, पल भर में सुलह होगी पल भर में जंग, पल भर में सुलह होगी पल भर में जंग। बियाही मोरी रानी बियाही मोरी तोरी, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग, ओ बियाही मोरी रानी हौलदार के संग। डोले में बैठ गोरी ससुराल जाएगी, डोले में बैठ गोरी ससुराल जाएगी, सैया के दिल पे अपना सिक्का जमाएगी, सैया के दिल पे अपना सिक्का जमाएगी, ये दिल को लुभाने वाले तेरे सारे ढंग, ये दिल को लुभाने वाले तेरे सारे ढंग। बियाही मोरी रानी बियाही मोरी कोरी, बियाही मोरी दिया बियाही मोरी बन्नो, बियाही मोरी रानी हौलदार के संग। अरे भैया, हम तो कहते हैं कि आप बहुत अच्छे किसी आदमी से ब्याहें जो कि IAS अफसर हो, IPS अफसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, फॉरेन सर्विस का हो। हम तो चाहते हैं कि लड़की जहाँ भी जाए राज करे, सुख चैन से रहे। लेकिन जाते जाते पंजाब में ये लड़कियाँ मालूम क्या करती हैं, ये कलीरा पहनती हैं, वो जो लंबे लंबे लटकते हैं इनकी कलाइयों से, और उनकी एक अनोखी रस्म है इन कलीरों को गिराने की। दुल्हन को कलीरे पहनाए जाते हैं और फिर जो भी इसकी सहेलियां आई या इसकी रिश्तेदारों की बच्चियां वहां बैठी हैं और वो अविवाहित हैं, उन पर कलीरा गिराती है। वो इसलिए करती है, ऐसा माना जाता है कि जिस लड़की के सर के ऊपर कलीरे का कोई हिस्सा गिरता है, अगली शादी उसी की होने वाली है बहुत जल्द। और इसी से मिलता जुलता हमारी ईसाइयों का भी शादी का एक ये रिवाज है कि जब क्रिश्चियन ब्राइड चर्च से निकलती है, उसकी शादी हो गई होती है, तो उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता होता है और वो आगे आगे चलती है और अपने हाथ से उसे उछालकर पीछे फेंकती है, और जिस लड़की के हाथ में वो आ जाए, वो लड़की उसे पकड़ ले, अगली शादी उसी लड़की की होगी। तो लड़कियां दौड़ती हैं उसे पकड़ने के लिए। तो ये शादी में छोटी छोटी बातें कितनी खुशी देती हैं, कितना आनंद देती हैं, कितनी आशाएं इन सब पर टिकी हुई हैं। तो सुनते हैं प्रोग्राम आशाओं में एक और गाना, और ये गाना हमने लिया है 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है मदन मोहन ने और इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने। Yeah.
गाना सुन के मुझे एक बात पे जरा सा आश्चर्य होता है कि वो पुराने इस टाइम की डोली जो है अब वो कहाँ गई जिसे दो कहार उठाते थे। अब तो आती है गाड़ी और गाड़ियां भी एक से एक आलीशान मॉडल और उन्हें फूल से सजाया जाता है और दुल्हन उसमें जाती है। इस साल जब हमारी 26 जनवरी की परेड हुई थी तो उसमें हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई थी पुरानी बग्गी में जो कि पिछले कई साल से हमारे राष्ट्रपतियों ने डिसकंटिन्यू करी थी। वो गाड़ियों में आते थे लेकिन उन्होंने इसको फिर से रिवाइव किया इस कस्टम को वो घोड़े वाली बग्गी में आने। अब मैं भी इस इंतजार में हूँ कि कोई ऐसी शादी होगी जिसमें दुल्हन फिर से वो डोली रिवाइव करे, टिपिकल ट्रेडिशनल डोली जिसको दो डंडों के सहारे वो कहार उठाते हैं, वो भी नजारा देखने लायक होगा। चलिए देखते हैं, आजकल तो ना जाने क्या क्या हो रहा है भाई। वो ब्राइड की एंट्री तो ना जाने कैसे ऊपर से करवाई जाती है, लिफ्ट क्रेन से वो नीचे आते हैं और एक लिफ्ट क्रेन ने तो उनको गिराई दिया था। तो ये तो इतने इतने इवेंट्स बन गए हैं शादियों के, बाप रे बाप। और मुझे याद है बचपन में, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, बचपन में जब हम लोग शादियों में जाते थे तो शादी में एक इंसान है जिसको बहुत महत्व दिया जाता था और वो होता था दूल्हे का भाई, खासतौर से छोटा भाई जिसे कहा जाता था सहवाला या सहबाला। और वो दूल्हे के बगल में रहता था और उसको जो लड़की वाले थे बहुत मान सम्मान देते थे और उसको चांदी का रुपया और पगड़ी और ना जाने क्या क्या मिलता था। ये वाली प्रथा अब मुझे पता लगा है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की शादी में मुख्य आकर्षण है। इसके लिए परिवार के किसी छोटे बच्चे को दूल्हे जैसे ही वस्त्र आभूषण पहनाकर सहबाला का रूप दिया जाता है अगर उसके पास छोटा भाई ना हो। सहबाला दूल्हा के साथ ही घोड़ी चढ़ता है और पूरी शादी में वे उसके साथ ही रहता है। ससुराल में दूल्हे की जरूरतों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। इसके अलावा बिहार में नव विवाहित जोड़ों के स्वागत के लिए दहलीज से घर के अंदर तक बांस की रंग बिरंगी टोकरियां बिछा दी जाती। बाप रे बाप, गजब के हैं ये सारे हमारे कस्टम्स रिचुअल्स जो अफसोस हम देश विदेश की ये तड़क भड़क में
होते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि डीजे आए और खूब डांस हो और वो भी फिल्मी गानों पर हो। कोई लौटा दे ये बीते हुए दिन। आइए इन्हीं बीते दिनों का एक सुंदर सा गाना सुनते हैं जो मैंने लिया है फिल्म दिलरुबा से। सन 1950 में रिलीज हुई थी, जिसका संगीत दिया था ज्ञान दत्त ने। इस पिक्चर में काम किया था रेहान, देवानंद और खाली तू इसमें आ जा, तू इसमें आ जा, ओ बुलबुल मतवाली तू इसमें आ जा, अरे तू इसमें आ जा। दिल में बिठा लूं आंखों का मैं जाल बिछा लूं, तुझको मैं चुपचाप फंसा लूं, दिल में बिठा दूं। फिर तो बिन दाना बिन पानी बन के मन से है की रानी, फिर तो बिन दाना बिन पानी बन के मन से है की रानी। हर दम तेरे ही गुन गाए रे, हर दम तेरे ही गुन गाए रे। चिड़ैया उड़ जाए रे, चिड़ैया उड़ जाए रे, चिड़ैया उड़ जाए रे। आपको कैसे लग रहे हैं ये गाने? और गानों के साथ साथ जो मैं आपको ये रीति रस्म के बारे में बता रही हूँ, आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं? मैं चाहूंगी कि आप भी हमें भेजें अपने समुदाय के रीति रिवाजों के बारे में कुछ लेख जो कि आप सोचते हैं कि आम लोगों से परिचित नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ बंगाली शादी के खास आकर्षण की, जिसे कहते हैं शुभ दृष्टि, यानी कि शुभ दृष्टि। शादी वाले दिन दुल्हन के भाई लकड़ी के पटरे पर उसे बिठाकर मंडप में लाते हैं। दुल्हन पान के दो पत्तों से अपना चेहरा ढके रहती है। पटरी पर बैठे बैठे ही दुल्हन को दूल्हों के चारों और दुल्हन को दूल्हे के चारों ओर 7 बार घुमाया जाता है, जो 7 पाक कहलाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के सामने लाया जाता है। दुल्हन धीरे से पान का पत्ता हटाते हुए दूल्हे को देखती है, जो शुभ दृष्टि कहलाती है। इसके बाद माला बदल की रस्म होती है। इसमें 3 बार माला बदली जाती है। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाते हैं। इसके बाद दूल्हा अपनी माला दुल्हन को और दुल्हन अपनी माला दूल्हे को पहनाती है। फिर से दोनों अपनी अपनी माला एक दूसरे को पहनाते हैं। बंगाली शादी में ससुराल में प्रवेश करते समय बहू बहू के एक हाथ में मछली की टोकरी पकड़ाई जाती है, क्योंकि वो मछली को बहुत शुभ मानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दक्षिण भारत में, जो कि ये प्रथा कभी कभी हमारे उत्तर प्रदेश में भी होती है। दक्षिण भारत की तमिल शादियों में एक मजाकिया अंदाज में एक रस्म होती है, जिसमें दूल्हा बारात निकलने से ठीक पहले संन्यास लेने की घोषणा करता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग उसे ऐसा करने से मना करते हैं और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ काशी अपनी विद्या पूरी करने, और काफी मनाने के बाद उसको वापस लाया जाता है और वो शादी के लिए
लिए राजी हो जाता है। फिर मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक आदिवासी शादियों के बारे में बताती हूँ जो काफी असामान्य है। दूल्हे के परिवार का स्वागत गुलाब की पंखुड़ियाँ, गुलाब जल या पान के बजाय टमाटर से किया जाता है। जी हाँ, स्पेन में एक फेस्टिवल है जिसे कहते हैं टोमाटीना, जिसमें बकायदा पूरी टमाटर की नदियां बह जाती हैं, एक दूसरे पर खूब टमाटर फेंकते हैं। अब हमें क्या पता था कि भैया देसी टोमाटीना तो यहीं हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। ऐसा माना जाता है कि टमाटर फेंकने और रिश्ते की शुरुआत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से करने से जोड़े का सफल और अनुकूल वैवाहिक जीवन समाप्त हो जाता है। तो तैयार हैं आप देसी टोमाटीना के लिए? अब सुनते हैं ये गाना जो हमने लिया है फिल्म बहार से। ये 1951 में रिलीज हुई थी और इस गाने को, ये गाना फिल्माया गया था वैजयंती माला पर। इसको गाया है शमशाद बेगम ने, लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है एस ब्याही लड़कियां इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, मैं उनके लिए ये मना रही हूँ, मनोकामना अपने मन में रखे हूँ कि जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए और आपके मन की आशा पूरी हो, क्योंकि ये कार्यक्रम है आशाएं। मैं किरण, आशा की किरण, जो हर वक्त यही मनाए रहती हूँ कि आपकी सारी आशाएं पूर्ण हो। तो अब चलते चलते मैं आपको और भी कुछ दिलचस्प रस्में बता दूं शादी की। आइए चलते हैं मणिपुर और देखते हैं कि वहाँ मणिपुरी शादी में क्या होता है। पारंपरिक मणिपुरी शादी में दूल्हा और दुल्हन निकटतम तालाब में कुछ मछलियां छोड़ देते हैं। मछलियों की दिशा और चाल से दूल्हा दुल्हन के वैवाहिक जीवन का अनुमान लगाया जाता है। यदि मछलियां एक साथ ही एक ही दिशा में जाएं, ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। अब कुछ आदिवासी जनजातियां ऐसी हैं जिसमें उनकी एक रस्म है कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को एक साल तक अलग रखा जाता है और एक साल बाद उनकी शादी को उनके परिवार और समाज के
वरिष्ठ सदस्यों द्वारा मंजूरी दी जाती है। ये भी सुना है बिहार में कि लड़कियों का पहले वक्त में छोटी सी उम्र में ही उनका ब्याह हो जाता था, लेकिन ब्याह के बाद वो ससुराल नहीं जाती थी, वो अपने पिता के घर ही रहती थी, और जब वो उम्र ठीक उम्र की हो जाती थी तब उनका गौना किया जाता था। अब महाराष्ट्रियन शादी देखिए, ये भी बड़ी दिलचस्प है। महाराष्ट्रियन शादियों में दुल्हन का भाई दूल्हे का कान मरोड़ता है, और ये उसको कहने के लिए कि अगर तुमने मेरी बहन की देखभाल ठीक से नहीं करी तो ये तुम्हारा हाल होगा। इसमें सब कोई खूब मजे लेता है। और सबसे सरल और सादी जो रस्म है वो असम की राभा जनजाति की है, और वो केवल मालाओं की सराहना करती है। राभा जनजाति में शादियां सरल और सूक्ष्म होती हैं, जहां दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हैं और उन्हें विवाहित घोषित कर दिया जाता है। बस हो गई शादी। कहते हैं ना इंग्लिश में लेस इज मोर, कम ही अधिक है। तो जितना ही हम इस गाजे बाजे और टीम टाम और धूम धड़ाके से दूर रहें और सरलता को अपनाएं, शायद उतने ही ज्यादा हम फोकस्ड रहेंगे कि शादी का मूल अर्थ क्या है, कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, अपने उत्तरदायित्व का पालन करना, ये नहीं कि दुनिया के सामने दिखावा करना और ऐसा ऐसा दिखावा जिसमें बेटी का बाप जो है कर्जे में डूब जाए। तो आइए इसी आशा के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं कि हमारा समाज एक प्रगतिशील समाज होगा जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अंत में ये गाना मैं लूंगी फिल्म पूरब और पश्चिम से, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने। तो इसी आशा के साथ कि कल यानी कि रविवार को आप मेरे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे, वक्त यही रहेगा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, और अगर आप शादियों में बहुत ही व्यस्त हैं तो आप इतना टाइम तो मेरे लिए निकाल लेंगे ना। कल किसी और टॉपिक पर मैं बात करूंगी, कुछ और अच्छे गाने लेकर आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी परवाह है, चिंता है। हम हैं आपकी आवाज रेडियो नोएडा 107.4 पर। हम हैं आपकी आवाज रेडियो नोएडा पर 107.4 MHz, और मैं हूँ किरण, आशा की किरण, जो आती हूँ हर शनिवार और रविवार ये कार्यक्रम आशाएं लेकर। तो कल फिर मिलेंगे। सूरज ने छेड़ी जब किरणों की शहनाई, चमक उठा सिंदूर गगन पे, पश्चिम तक लाली चली हाँ पहन चली हो रे दुल्हन चली हो पहन चली तीन रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना देख के दुनिया ढोली। दुल्हन चली हो पहन चली तीन रंग की चोली, महल जैसी ताजा है सूरत, चलती फिरती अजंता की मूरत, मेल मिलाप की मेहंदी रचाए, बलिदानों की रंगोली। दुल्हन चली हो पहन चली तीन रंग की चोली।
रुख चमके जू हिमालय की चोटी, होना पड़ोसी की नियत खोटी। ओ घर वालों जरा किसको संभालो, ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली, वो पहन चली तीन रंग की चोली। सजेगी अभी और संवरेगी, चढ़ती उमरिया है और निखरेगी। अपनी आजादी की दुल्हनिया, बीस के ऊपर होली दुल्हन चली, वो पहन चली तीन रंग की चोली। दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है, माता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कैसे, डरे न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मी बाई बहना, लक्ष्मण जिसके बोध भगत सिंह उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा।